गाइस कम्प्लीटली आज मुरादाबाद के चोर बाजार जाने वाले हैं हम, ठीक है। तो गाइस हमें भी खड़े खड़े भेज देंगे, इसमें बड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा, इसलिए भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही चोरी होगा जिंदा। हाँ तो गाइस जैसे कि दिल्ली की चोर बाजार है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ये तो एंड में बोला है, मैंने गलती से बोल दिया। हाँ तो लाइक कमेंट तो करते रहे करो, मर्जी है तुम्हारी, करो जिंदा। तो मिलते हैं यार चोर बाजार में, और क्या, और कभी करेंगे बात, ठीक है, चलो। वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है तो क्योंकि स्टोरेज भर गया, स्टोरेज फ़ोन का भर चुका है, और फ़ोन का स्टोरेज भरने के बाद हमने थोड़े बहुत ऐप वूप डिलीट करे, तो अब जो है डायरेक्ट हम यार आपको मार्केट ही दिखाएंगे, इसलिए फ़ोन में स्टोरेज काफ़ी हो चुका है। ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो काफ़ी MB के ब्लॉग होते हैं, तो अब डायरेक्ट मार्केट में मिलते हैं, नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आशीष भी शांत हो चुका है। पहुंच चुके हैं और ये उसका गेट है, ये आपको इतना बड़ा गेट, इतना लंबा हाथ मत कर, कोई स्कूटी मार दे, गेट जो दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ से स्टार्टिंग है, अंदर दिखाई दे रही है एंट्री है, तो किस तरफ चलेगा, तरफ से अभी यहाँ से दिखाना चालू करते हैं आपको, और इस वीडियो का भी सेकंड पार्ट आ जाएगा, आपको कुछ भी अलग से मंगाना है तो आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आए या कोई डिटेल लेनी है तो हम सेकंड पार्ट में ला देंगे, कमेंट करें नीचे। तो गाइस चोर बाजार कम्प्लीटली आज लगी नहीं है, इतनी अच्छी तरह से नहीं लगी हुई है, थोड़ा बहुत सामान है, बिक रहा है यहाँ थोड़ा बहुत सामान, और आपको इस बाजार के बारे में कोई भी कूल फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें आप, मैं इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो भी आएगा मैं आपको एक एक सही तरह से विस्तार से समझाऊंगा। तो गाइस यहां पर हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते कि हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं कुछ, यस तो बाजार चोर है, वैसे खुलेआम बिकता है सामान चोरी का भी, चाहे कैसा भी हो, अगर फिर भी रूल टू रूल चलना चाहिए। ये सब यहाँ देखो कपड़े हैं, थोड़े पुराने टाइप के कपड़े हैं, और यही है पूरी मार्केट, आप देखिए अब, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़े वगैरह हैं, और थोड़ी सी आगे जाकर ये वगैरह यहाँ पर मिल रही है, हम रुक इसलिए नहीं रहे हैं, यहाँ पर सही नहीं है, और हम भी अभी छोटे हैं हमारी ये, हाँ इसलिए। तो गाइस इस तरफ थोड़ी सी कपड़ों की दुकानें हैं, और उस तरफ जो था लोहिया लंगर था आधी चीज़, लोहिया लंगर है वैसे समझ जाएंगे लोग, बार वो वाला लंगर ना, पंजाबी वाले लंगर नहीं, तो यहाँ कपड़े उपड़े हैं, पूरी मार्केट इस तरफ कपड़ों की है, उस तरफ वो पुराने सामान जितना भी होता है वो है। अच्छा कपड़े नहीं होते हैं सब? हाँ कपड़े लगभग नए पुराने हर तरह के हैं सारे, क्यों कह रहे हैं लगभग, और ये बाइक वाइक की दुकानें हैं यहाँ, अभी तो कह रहे हैं यहाँ कपड़ों की, यहाँ बाइक की दुकान आ चुकी है बीच में यार, तो झूठ भी बोलना सीख गया है। अरे कितने झूठ बोले हैं, मैं क्या झूठ बोलूँगा, अरे तो भैया उनके जैसा थोड़ी बनना है हमें, तो कोई कमेंट करे कहीं भी यार, अबे कहीं भी यार आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें, अच्छी ना लग रही है तब भी करें, हाँ यार कर दो लौंडा केरिया जिंदा। और आगे एक चीज़ और दिखाता हूँ, वाह तो गाइस यहाँ बैटरी उठ रही है, बैटरी उठ रही है, यहाँ पुराना सामान मिलते हैं, होल्डर वगैरह वगैरह चीज़ें, ये सब यहाँ पुराने चार्जर हैं, जितने चार्जर वर्जर, और यहाँ पुरानी प्रेस रेस फोन बूफर ये चीज़ें हैं, यहाँ थोड़ा बहुत नया सामान रखा है, और यहाँ टेम्पो वेम्पो साइकिल वहीकिल बच्चों का सामान है, और ये जूते वूते हैं, यहाँ जूते हैं, और ये ठेले पे चार्जर उर्जर जो मिलते हैं, दिल्ली की तरह है थोड़ा थोड़ा, अगर दिल्ली की, तो
आज वैसा है, आज मार्केट ज्यादा नहीं था और नहीं लगी है। बुद्ध के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ, तो इसका सेकंड पार्ट हम जब भी बनाएंगे जब आप कमेंट करोगे। पांच कमेंट भी आगे तो बना देंगे। हाँ बना देंगे, पांच कमेंट पे ही बना देंगे। अगर हर अलग होना चाहिए और सब्सक्राइब भी पांच ही बनने चाहिए और लाइक भी पांच ही होने चाहिए, तभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे ब्लॉगों में। बाय बाय।